beautiful friends, this is Dolly Jain. And you know, you won't believe. Okay, let's do it in Hindi. बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, आप हिंदी में भी हमें सिखाएं. तो चलिए ये वीडियो हम हिंदी में बनाते हैं, ठीक है. जो ड्रेप मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही सिंपल ड्रेप है, बट उसके बावजूद मेरे पास इसी ड्रेप के लिए बार बार लोगों का मैसेज आता है कि प्लीज़ आप हमें ये बताइए कहाँ से टक करते हैं, प्लीट कैसे बनाते हैं, पल्लू कहाँ टक करना है, पिन कहाँ लगानी है, ब्ला ब्ला ब्ला. इतनी सारी आपके सवाल, और इन सब सवालों का एक जवाब है आज का ये वीडियो. तो शुरू करें, चलें हम एक राउंड लेते हैं और ये करते हैं हम अपना दूसरा टक, ठीक है. अब पहला टक ये था, दूसरा टक ये था. अब आपके हाथ एकदम फ्री है, अब आप इसको दोनों हाथों से आराम से अच्छी तरह से नीट टक कर दो, ठीक है. ये हो गया. अब इसको करने के बाद आप एक हैंडफुल, हैंडफुल या आप समझ लीजिए एक बित्ते या जो भी आप इसको बोलेंगे, इसको लेके इस साड़ी को आप यहाँ तक करें. अब बनाएंगे हम अपने शोल्डर प्लीट्स. शोल्डर प्लीट्स को बनाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है, देखिए अगर आपको इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्लीट्स बनने से मतलब है. बट मेरी जो प्रैक्टिस है मेरे को लगता है ये ईजी. Zip, zip, zap, zoom, and it's done. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आपको ये ज़रूर ज़रूर से आप बहुत हैंडी हो जाएंगे. उसके बाद तो मुझे लगेगा आप मुझे कॉम्पिटिशन दे रहे. तो इस प्लीट्स को बनाने के बाद आप इन सब प्लीट्स को अलाइन करेंगे. अलाइन करते करते आप ऐसे इसको ला के एक पिन लगा लेंगे, ठीक है. इस पिन को हम इसलिए लगाते हैं ताकि आप अपने प्लीट्स को सिक्योर कर सके, और इसको फिर आप अपने शोल्डर पे डाल देंगे ऐसे. और इसको हम ब्लाउज के साथ सिक्योर नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ प्लीट्स पे पिन लगाए हैं, ब्लाउज के साथ सिक्योर करते हैं हम लास्ट में, ठीक है. उसके बाद आप इसको लेंगे, अब यहाँ से बस्ट कवर करते हुए अच्छी तरह से इसको यहाँ लेंगे और टाइटली पुल करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ. स्लिम लगना है ना, तो ऐसे ही पहनना पड़ेगा साड़ी. इसको करने के बाद यहाँ एक पिन लगाएंगे. अब ये जो पिन लगाते हैं हम, ये तीनों कपड़े के साथ लगाते हैं, पीकोट पहला जो आपने टक किया है और ये तीसरा, ठीक है. तो तीनों को आप एक साथ लेंगे. अब जब आपको ये बनाना है प्लीट्स, उस प्लीट्स को बनाने से पहले आपको क्या करना है, देखिए ये, फिर ये, फिर ये. आप देख रहे मैंने क्या किया, इस तीनों को आपने सुंदर सी छोटी छोटी प्लीट्स बनाई. प्लीट्स बना के आप इसको यहाँ तक कर दो. दो तीन वेरिएशन है इसको पहनने की, ये उनमें से एक वेरिएशन है, ठीक है. आपने ये कर दिया, उसके बाद अब आप इसको उठाएंगे और इसके प्लीट्स बनाएंगे. बहुत चौड़े नहीं लेंगे, नैरो प्लीट्स बनाएंगे. बहुत सुंदर से गिरती है क्योंकि कपड़े में फॉल ही इतना सुंदर है. बाय द वे मैं आप सबको बता दूं, ये साड़ी नव्यासा ब्रांड से है, नव्यासा बाय लीवा. इतनी अमेजिंग फैब्रिक है इनकी. डेली जो साड़ी पहनते हैं और डेली जो ऑफिस जाते हैं साड़ी पहन के, उनके लिए तो आई थिंक ये साड़ियाँ ब्लेसिंग्स हैं. तो इसको करके आप ऐसे लेके इसको यहाँ पे टक करेंगे. अब देखिए ये आपने टक कर लिया, और यहाँ आप देख रहे हो आपकी ये छोटी छोटी प्लीट्स बन गई. अब ये जो मैंने तीन प्लीट्स बनाई थी, ये बहुत सुंदर लगती है. इस साड़ी में भी पहन सकते हैं आप, सिल्क की साड़ी में भी पहन सकते हैं, सैटिन में पहन सकते हैं, शिफॉन में पहन सकते हैं. शिफॉन में शायद इतना पता नहीं चले, बट सिल्क में तो बहुत ही प्रोमिनेंटली हर वो साड़ी जो थोड़ी कड़क सी है, या वो साड़ी जिसको आप थोड़ा सा पुल कर सकते हैं, शिफॉन में बहुत इलास्टिसिटी होती है, उन सब साड़ीज में आई थिंक ये बहुत सुंदर से गिरता है. जिन लोगों की बट एरिया हैवी होती है उनके लिए भी ये प्लीट्स एक ब्लेसिंग का काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाती है, तो जिसके कारण उनको बैठने और कोई भी मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और साड़ी ऊपर खींचती नहीं है. सो आई थिंक आप ट्राई करें ये प्लीट्स, ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही अमेजिंग है. बस मेरे फिंगर और मेरे हैंड मूवमेंट्स को आप फॉलो करें, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, आपके लिए बहुत इजी होगा. बात करते करते कब इंग्लिश शुरू कर देती हूँ पता ही नहीं चलता है. तो आप देखिए
बिल्कुल भी नहीं दिखता है एंड इट लुक्स, अगर आप इसे ऐसे रखोगे तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ एक पिन लगाते हैं फिर यहाँ पे भी एक पिन लगा लेते हैं, तो यहाँ वाली पिन आपको नहीं लगानी है, सिर्फ शोल्डर में लगाएं और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, आप सब क्या कहते हैं इसके बारे में? बाय बाय कहने से पहले हम अपने 24 आवर्स से निकाल के वो 2 सेकेंड उन व्यूअर्स को, उन लोगों को थैंक यू कहते हैं जिन्होंने अपना पूरा एनर्जी, पूरा फोकस इस एक साड़ी को बनाने में लगाया है। एंड द साड़ी इज सो ब्यूटिफुल, सो आई थिंक हमें इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में डाल लेना चाहिए। 2 सेकेंड्स ऑफ थैंक यू टू एवरीबडी जो इस साड़ी को बनाने में इतनी मेहनत की है। सो टिल देन आई लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।